Associates, welcome to Vidyanand. Today we are going to discuss a very important topic of physical chemistry. और वो टॉपिक है हम स्टोशियोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, अब आपको स्टोशियोमेट्री क्या होती है ये तो पता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस वेबिनार के अंदर आपसे पूरी पूरी स्टोशियोमेट्री डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? ये तो नेक्स्ट में इम्पॉसिबल है कि 1 आवर या 1.5 आवर की क्लास के अंदर पूरी स्टोशियोमेट्री डिस्कस कर। तो आखिर इनमें करने क्या बात है? एक्चुअली इस 1 आवर के अंदर आपके साथ स्टोशियोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ जो जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम करने क्या वाले हैं, केवल उन स्पेसिफिक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जिन पर बेस्ड जेईई मेन में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। तो विदाउट एनी डिले हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जेईई मेन्स, कौन कौन से स्टोशियोमेट्री के अंदर। देखो, कंसेंट्रेशन टर्म्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? आप कंसेंट टर्म के क्वेश्चन को है केवल स्टोशियोमेट्री से ना जोड़ के देखिए, कोई भी आप केमिस्ट्री का चैप्टर उठा ले जहां पे कोई ना कोई सॉल्यूशन पार्टिसिपेट कर रहा होगा उसमें कंसेंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन आता ही आता है, और कंसेंट टर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो कंसेंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम स्टोशियोमेट्री को समझेंगे, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्टोशियोमेट्री, ये हमें बहुत डिटेल में समझना है। ओके, ये जेई मेन में और जे एडवांस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और स्टोशियोमेट्री अगर आप देखेंगे केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हर जगह यूज होती है। फिर हम समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है, और लास्ट में समझेंगे लॉ ऑफ केमिकल। तो स्टार्ट करते हैं कंसेंट्रेशन टर्म से। कंसेंट टर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो इंटर रिलेशनशिप है, वो है मोलैरिटी और मोलैरिटी। देखो, मैं इसमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रखा है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है, that molarity equals to 1000 of md divided by 1000 plus m into m no। इसको देखो, याद करने का तरीका जो मैंने एक बार अपनी तरफ से बना रखा था, हो सकता है अगर आपको पसंद आए या ना आए, पर मैंने इसको किस तरीके से याद करा था वो आपको बता रहा हूं। मैंने पढ़ा इसमें molarity equals to 1000 of md, md मतलब managing director, divided by 1000 plus m into m no, where m into m no is marketing manager। इस तरीके से मैंने इसको याद कर लिया और मुझे याद हो गया था और अभी तक याद है, पिछले 10-12 सालों से मुझे याद है। मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 md डिवाइडेड बाय 1000 प्लस m into m नॉट, जहां पर स्मॉल m जो है वो है मोलैरिटी और जो कैपिटल m है वो है मोलैरिटी। क्या है वो? मोलैरिटी। अब इस वाले एक्सप्रेशन को मैं यूज कब कर रहा हूं? आप इस एक्सप्रेशन को तब यूज करेंगे जब आपको क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली सॉल्यूट का मोलर मास और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी। इन दो डेटा के एब्सेंस में आप मोलैरिटी और मोलैरिटी का इंटर कन्वर्जन नहीं करो। अरे मेरे पास समझ में, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूट का मोलर मास ना बताओ या क्वेश्चन में ना दे रखा हो और क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं दे रखी हो, तो हम मोलैरिटी का मोलैरिटी में इंटर कन्वर्जन नहीं करेंगे या मोलैरिटी का मोलैरिटी में इंटर कन्वर्जन नहीं करेंगे, ठीक है? वो गलत तरीका हो जाएगा। आपको गलत तरीका नहीं अपनाना, आपको फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर रखना है। जेईई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 md अपॉन 1000 प्लस m into m no। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी और परसेंटेज कंसेंट टर्म को कैसे रिलेट करते हैं? तो देखो, एक जनरल एक्सप्रेशन आप याद रखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। अगर क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है तो हम डेंसिटी का यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय m नॉट सॉल्यूट। अब ये परसेंटेज कौन सा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है परसेंटेज कौन सा है, आपको फॉर्मूला यूज करना है मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। आई बात समझ में? अब इसी एक्सप्रेशन को अगर आप कहें कि इसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि परसेंटेज कंसेंट टर्म जो है हमारे पास में मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है, उसके आप अलग अलग फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेट मोलैरिटी, अगर मुझे मास बाय मास परसेंटेज को बताना है वो है एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा, इट इक्वल्स टू 10 एक्स डी अपॉन एम नॉट। अगर मुझे मास बाय वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना है, कौन से फॉर्म में, मास बाय वॉल्यूम के फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 10 by upon m naught, और
अगर मुझे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है तो मैं मोलैरिटी को लिखूंगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू एन जेड डी डैश अपॉन एम नॉट। यहां पर डी क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और डी डैश क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सॉल्यूट। क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सॉल्यूट। आप इस एक्सप्रेशन को ढंग से देखें तो ये जनरलाइज फॉर्म आ जाती है। क्या जनरलाइज फॉर्म आती है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय गिवन डेंसिटी। मोलरिटी इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज गिवन बाय मोलर मास, और क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दे रखा। क्वेश्चन में अगर डेंसिटी नहीं दे रखा तो नो डाउट ऑफ परसेंटेज जो आपके पास में है, कंसेंट्रेशन है, वो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ही है। तो मोलरिटी का फॉर्मुला 10 बाय अपॉन एम नॉट ही होगा, या मोलरिटी 10 z d डैश अपॉन एम नॉट, जहां पर d डैश क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सॉलिड। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप एक बात हमेशा याद रखना कि मोलरिटी और परसेंटेज टर्म को रिलेट कैसे करते हैं। मोलरिटी इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इनटू d डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन नहीं है तो हम डी की वैल्यू 1 रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए आपको मेरा समझ में। अब देखो कई बार कंडीशन दे रखी होती है, अगर क्वेश्चन ये गिवन हो कि मोलरिटी मोलरिटी के इक्वल है, अगर मोलरिटी मोलरिटी के इक्वल है तो एक और कंडीशन हमें मिलती है, वो कंडीशन क्या है, दैट मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या कंडीशन बनती है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो प्लीज इस कंडीशन को अब याद रखना, जेई मेन के ऊपर इसके ऊपर जल्दी से क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो मैंने बोर्ड पे देखो तीन एक्सप्रेशन लिखे हैं और वो तीनों एक्सप्रेशन कंसेंट टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए जेई मेन्स के अंदर। एडवांस में उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर जेई मेन तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो व्हाट इज मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 md डिवाइडेड बाय 1000 प्लस m into m0, बहुत आसान। व्हाट इज मोलरिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंसीडर, मोलरिटी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय गिवन डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉलिड। एंड अगर मोलरिटी मोलरिटी के इक्वल है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलरिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलरिटी, इन दैट केस मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इन एक्सप्रेशंस को आप डायरेक्टली यूज करेंगे जेई मेन। अब टॉपिक आगे बढ़ा, अब अगर कोई कई बार क्वेश्चन आता है कि पीपीएम कंसंट्रेशन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखो पीपीएम का मतलब क्या होता है, पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। क्या मतलब है, पार्ट्स पर मिलियन, और परसेंटेज का मतलब क्या है, पार्ट पर 100। पार्ट पर मिलियन का मतलब है 10 की पावर 6 पर 10 की पावर 6, और पार्ट पर 100 का मतलब है पर 10 की पावर 2। तो अगर आपको पीपीएम कंसंट्रेशन, अगर आप पीपीएम कंसंट्रेशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, 10 की पावर -4 से उसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर -4 से। अगर आप पार्ट पर बिलियन को पीपीएम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पीपीबी में क्या होता है, पर 10 की पावर 9, और पीपीएम में क्या होता है, पर 10 की पावर 6। तो अगर पीपीबी को पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर -3 से। अब पीपीबी को अगर सीधा ही परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -7 से। आई थिंक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इसे याद कर सकते हैं। पीपीएम को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 10 की पावर -4 से। अगर पीपीबी को पीपीएम में कन्वर्ट करना है 10 की पावर -3 से। अगर पीपीबी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 10 की पावर -7 से। एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, अगर मेरे पास में 50,000 पीपीबी कंसेंट्रेशन तो वो पीपीएम में कितना होगा, इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 ही बचेगा, कितना बचेगा, 50,000 पीपीबी इक्वल्स टू 50 पीपीएम, और इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अब इस टर्म को मुझे 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना है, किससे, 10 की पावर -4 से। 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास परसेंटेज कंसिडर हो जाएगा 0.005%। अब अगर कोई कहे कि पीपीएम कंसंट्रेशन दे रखी है और मोलरिटी निकालो, तो हमें कुछ नहीं करना, जो भी पीपीएम कंसंट्रेशन है उसको 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दो। पीपीएम को 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाता है, वो परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म, और 10 मल्टीप्लाई बाय गिवन परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म मल्टीप्लाई बाय गिवन डेंसिटी
डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ही तो क्या होता है, डेंसिटी। तो बच्चों आप इस इक्वेशन को यूज करते हुए मोलेरिटी की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलेरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये कैसे करेंगे? हमें पता है मोलेरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ केजी। तो यहां पर क्या करा, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी की जगह अगर मुझे ग्राम में रखना है तो हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखो अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूट को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करूंगा, ओवरऑल मेरे पास में टर्म क्या बन जाएगी, दैट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट को मैंने मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करा तो हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना, 1000 मल्टीप्लाई बाय एम नॉट सॉल्वेंट इनटू मोलैरिटी इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल। फिर व्हाट इज स्मॉल एन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इन व्हाट इज कैपिटल एन, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब जो मेरे पास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स का रेशियो होता है वही तो उनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है, तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, एन अपॉन एन क्या बच जाएगा, एक्स सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एक्स सॉल्वेंट, और एक्स सॉल्वेंट को मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। तो ये हमें रिलेशन मिल गया मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन रेशियो। थोड़ा अजीब सा रिलेशन है पर देखो पेपर में तो क्वेश्चन आ सकता है, जेई मेन के अंदर जो इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन आएंगे तो जेई मेन वालों को लेवल को डिक्रीज करने के लिए इंटर कन्वर्जन पूछ लिया, ये तो क्वेश्चन को बहुत हाई लेवल तक ले जा सकते हैं रिएक्शंस वगैरह। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, कंसेंट टर्म के अंदर क्या आता है, मोलैरिटी एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड ना करे, है ना। तो देखो आपको पता होगा जो मोलैरिटी होती है, जो जैसे कि हमारे पास में कंसेंट टर्म्स होती हैं, वो कभी भी सॉल्यूशन के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। आइए आपको बस समझ में, तो मेरे पास में जो मोलैरिटी होता है वो एक तरीके की इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। जब भी हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड करते हैं तो हम उनको डायरेक्टली ऐड नहीं करते, हम क्या निकालते हैं उनका, अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने अरिथमेटिक मीन कर रखा है, तो अलग अलग केसेज होते हैं जिनको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्या है, फाइनल मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। मेरे पास में एक सॉल्यूशन था जिसका मोलैरिटी था m1 और वॉल्यूम था v1, उस सॉल्यूशन में मैंने वाटर ऐड कर दिया। अगर मैं इसके अंदर वाटर ऐड करा तो वाटर ऐड करने पर मेरे पास में नया सॉल्यूशन बन गया, जाहिर सी बात है पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, तो अब मेरे पास में जो फाइनल मोलैरिटी है वो गया m5 और जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना हुआ v1 plus vh2। तो मेरे पास फाइनल मोलैरिटी क्या हो जाएगी, m1 v1 डिवाइडेड बाय v1 plus vh2। अब इसको मैं अरिथमेटिक मीन वगैरह की जो बात कर रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है जो मैं आपको बताता हूँ, क्या इसको ऐसे लिख सकते थे, m1 v1 plus 0 मल्टीप्लाई बाय vh2 डिवाइडेड बाय v1 plus vh2, बिल्कुल लिख सकते, क्यों लिख सकते थे, क्या ये अरिथमेटिक मीन का एक इक्वेशन नहीं बन जाता। अरिथमेटिक मीन कैसे, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, m1 v1 plus m2 v2 डिवाइड बाय v1 plus v2। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, m1 v1 plus 0 मल्टीप्लाई बाई vh2 डिवाइडेड बाई v1 plus vh2 वगैरह। मैंने यहाँ पर 0 का यूज क्यों करा, क्योंकि मैंने पानी ऐड करा, पानी के अंदर तो कुछ डाल ही नहीं रखा था, तो उसका मोलिटी क्या था मेरे पास, 0। तो m1 v1 plus 0 मल्टीप्लाई बाई vh2 डिवाइडेड बाई v1 plus vh2 एक तरीके से अर्थमेटिक मीन का इक्वेशन है, और इस अर्थमेटिक मीन के इक्वेशन का ही कन्वर्जन फाइनली किसमें हो गया, m1 v1 डिवाइडेड बाई v1 plus vh2। इसका क्या मतलब है, मोलैरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक और क्वेश्चन क्या बनता है, इंटरमिक्सिंग वाले कहते हैं फाइनल मोलैरिटी आफ्टर इंटरमिक्सिंग। मेरे पास में एक कंपाउंड था ए, उसके मैंने दो अलग अलग सॉल्यूशन उठा लिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इनको दो जो है ग्रीन कलर के दो अलग अलग शेड दे रखे हैं, एक काफी लाइट शेड है एक डार्क शेड, तो मान सकते हैं कि ये दोनों एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग सॉल्यूशन। मेरे पास में ये जो सॉल्यूशन है ए का, उसका मोलैरिटी है m1 और उसका वॉल्यूम है v1, और जो सेकंड सॉल्यूशन है ए का उसकी मोलैरिटी है m2 और वॉल्यूम v2। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को इंटरमिक्सिंग कर दिया, इंटरमिक्सिंग करने से एक फाइनल सॉल्यूशन बना। आप कलर से देख सकते हैं कि ये जो कलर मेरे पास में आ रहा है सॉल्यूशन का, ये इन दोनों सॉल्यूशंस के कलर का एक इंटरमीडिएट कलर। अब मेरे पास में एम फाइनल क्या होगा, एम फाइनल होगा m1 v1 plus m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 plus v2, क्योंकि मेरे पास फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अरिथमेटिक मीन ही तो है,
ओवरऑल मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि मोलरिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं इंटरमिक्सिंग वाले और डाइल्यूशन वाले, एक्चुअली वो आप मोलरिटी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी मानते हुए अरिथमेटिक में नहीं कर रहे और गबर अरिथमेटिक में कर रहे हैं, तो हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। हमें बस इतना समझना है कि मोलरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जब एड होती है तो उनका अरिथमेटिक में निकाल। अब ढंग से अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, मैं एक सॉल्यूशन के अंदर पानी ऐड कर दूंगा तो उसी सब्सटेंस का तो सॉल्यूशन बनेगा, तो अरिथमेटिक मीन करें। अगर मेरे पास में एक सॉल्यूशन एक कंपाउंड का सॉल्यूशन जो है उसमें उसकी मोलरिटी होगी एम वन और उसी कंपाउंड का एक और सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी की एम टू, तो मैंने एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग सॉल्यूशन ऐड करे तो मैं अरिथमेटिक मीन करें। यदि एक कंपाउंड ए और एक कंपाउंड बी में इस तरीके से आप अरिथमेटिक मीन करें वो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि कंपाउंड ए के सॉल्यूशन में कंपाउंड बी मैंने डाला और कंपाउंड बी उससे रिएक्ट नहीं करा, उसकी कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, वो उससे बाइंड नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं करा। एक तरीके से मैंने ए के सॉल्यूशन में पानी ही तो ऐड करा है क्योंकि बी के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है ए की तरफ। तो अगर मैं ए और बी दो अलग अलग कंपाउंड उठाता हूँ, उनकी सॉल्यूशन लेता हूँ और ये मानता हूँ कि ए और बी में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, उस केस में वो डायल्यूशन का ही केस है। आई बात समझ, किसका केस है, वो डायल्यूशन का केस है, तो फिर से फिर के ये केस। पर आप ऐसे मत कर देना कि ए के अंदर बी का सॉल्यूशन मिलाया सर फाइनल मोलरिटी हो जाएगी एम वन बी वन, और उसके अंदर बी का सॉल्यूशन मिलाया ए की जगह अगर बी होता और मोलरिटी होती एम टू और वॉल्यूम होता बी टू, तो कहते सर आप फाइनल मोलरिटी और सॉल्यूशन हो जाता एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू डिवाइड बाई बी वन प्लस बी टू। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते टॉपिक को। रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, बहुत ही सिंपल रिलेशन है, सबको पता है क्या, That normality is equal to molarity multiplied by n factor. ठीक है, आपको n factor जो है वो क्या होता है, acids, एक acid molecule में जो replaceable H+ ion है वो उसका n factor है, एक base molecule में replaceable OH- ion है उसका n factor है। आई आपको बात समझ में, एक salt के अंदर जो total positive charge है जो total negative charge है वो उसका n factor है, एक reducing agent का 1 mole quantity कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो उसका n factor है। अगर एक ऑक्सीजन एजेंट की बात करें तो एक मोल ऑक्सीजन एजेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन कितने मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो वो उसका एन फैक्टर है। ओके, एन फैक्टर की वैल्यू फ्रैक्शन भी हो सकती है, आप सब लोगों ने पढ़ रखी है कुछ डिस्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर की वैल्यू फ्रैक्शन की। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। अब लास्ट फॉर्मूला हमारे पास में होता है जो कंसर्न टर्म से जुड़ा हुआ है वो है स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन टर्म्स ऑफ लीटर। अगर इसको मैं करूं तो ये बन जाएगा मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये छोटे छोटे इंटरकन्वर्जन आप लोगों ने अपनी पिछले दो सालों के अंदर पढ़े होंगे। ठीक है, अच्छे से इन एक्सप्रेशन को रिवाइज करके जाना जब आप जेईई मेन का पेपर देंगे। अब इस कंसेप्ट पर जो अभी तक हमने पढ़ा है कंसर्न टर्म्स के टॉपिक में, इस बेस जो अपने पास में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए जो रिसेंट में 2019 और 2020 में क्वेश्चन आए उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर दें। तो देखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, अमाउंट ऑफ शुगर, शुगर कौन सा है मेरे पास में, केन शुगर C12H22O11 जिसका मोलर मास 342 होता है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 mm एक्वा सॉल्यूशन इज, तो देखो व्हाट इज मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लीटर। ओके, अब मोस्ट सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है कितना है 2 लीटर, तो मेरे पास में मोस्ट सॉल्यूट कितना बन जाएगा 0.2 मोल। अब मोस्ट सॉल्यूट कितना होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा मोस्ट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोस्ट सॉल्यूट 0.2 और जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास कितना है 342, तो इससे इस सॉल्यूट का मेरे पास में जो मास होगा वो कितना होगा 68.4 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन डी, 2019 का क्वेश्चन था आपके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस पर किलोग्राम ऑफ वाटर, द मोलैलिटी ऑफ Na+ आयन इन दैट सॉल्यूशन इन मोल केजी इनवर्स इज, हमें अब मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, सॉल्यूट आपने 92 ग्राम लिया Na+ आयन, Na+ आयन का मोलर मास 23, तो 92 डिवाइड बाय 23 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4 मोल। आप देख सकते हैं जेईई मेन में कितने हल्के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बट क्वेश्चन तो आते हैं ना,
क्वेश्चन चाहे हल्का हो, चाहे क्वेश्चन चाहे डिफिकल्ट हो, किस तरीके का कॉम्पिटिटिव लिखा हो, हमें तो 4 मार्क्स देके जा रहा है, तो हर एक क्वेश्चन की इज्जत करनी है, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होते हैं ठीक है उससे तो रैंक बन जाती है, पर सिलेक्शन तभी होगा जब इजी क्वेश्चन हमारे करेक्ट हो। अगर इजी क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे तो हमारे कभी भी 98% 99% वगैरह स्कोर हम जेईई मेन में नहीं कर पाए। पहली बात अब याद रखो, आपको जो इजी क्वेश्चन वो अच्छे तरीके से करके आना है, बिल्कुल ध्यान से करके आना। टफ क्वेश्चन जो होते हैं वो आप अटेम्प्ट जरूर करें, हो सकता है कि आपसे वो क्वेश्चन पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो तब कुछ आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि टफ क्वेश्चन मेजोरिटी स्टूडेंट्स के लिए टफ होगा, पर इजी क्वेश्चन मेजोरिटी स्टूडेंट्स के लिए इजी भी होगा, और वो आपके परसेंटाइल स्कोर को घटा भी सकता है। ऐसे क्वेश्चन को कभी गलत ठीक है, तो क्वेश्चन आसान लग रहे हैं पर 4 मार्क्स मिल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्या हमारे पास में, 8 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली आर। देखो कैसे निकाल, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होगा, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे, NaOH का मास दे रखा है 8 ग्राम, डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास से, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 8/40 प्लस वाटर में लिया 18 ग्राम, तो 18/80 1/5 / 1 तो मेरे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना बना 0.167। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है और ऑप्शन डी। अब चेक करते हैं इसकी मोलैलिटी क्या है, तो देखो मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ केजी, मोल्स ऑफ NaOH 0.2, मास ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ केजी 80 × 10⁻³, तो जो मोलैलिटी बनेगी वो 11.11 बनेगी। तो कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट हुआ वो कौन सा हो जाएगा, मान लीजिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, हमें क्या कैलकुलेट करना है मोलैलिटी। तो देखो मोलैलिटी फिर से मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ केजी, क्वेश्चन में कह रहा है 20% बाय मास, 20% बाय मास का मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड है और 80 ग्राम क्या है सॉल्वेंट, तो मेरे पास में हो जाएगा मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 20/166, पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है 166, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर 80 ग्राम है पर मुझे लिखना है किलोग्राम में, 80 × 10⁻³ लिखेंगे, इससे जो मोलैलिटी बनेगी वो 1.51 बनेगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1.5। फिर से आप देख सकते हैं, देखो अभी तक हमने 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन डिस्कस करे जो 2019 के अंदर जेईई मेन के अंदर आए थे, और हर इजी क्वेश्चन हमारा करेक्ट होना चाहिए, तो इजी क्वेश्चन से ही हमारा पर्सनल स्कोर इंप्रूव होने वाला। नेक्स्ट 10.30 मिलीग्राम, ये क्वेश्चन ईयर 2020 के अंदर आया था जेईई मेन के अंदर, 10.30 मिलीग्राम ऑफ O2 डिसॉल्व इन अ लीटर ऑफ सी वाटर, मतलब 1 लीटर ऑफ सी वाटर ऑफ डेंसिटी 1.03 ग्राम पर ml, द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ppm कैसे निकालेंगे। देखो मैं पहले परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालूंगा और उसको ppm में कन्वर्ट कर दूंगा, कैसे, ppm कितना होता है 10⁻⁴, ppm कितना होता है, अगर ppm से परसेंटेज में जाएंगे तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब परसेंटेज से ppm में जाएंगे उल्टा तो क्या करेंगे 10⁻⁴ से। तो देखो यहां पर क्या होगा, परसेंटेज ऑफ O2 मैं कैसे निकालूंगा, परसेंटेज ऑफ O2 मेरे पास हो जाएगा मास ऑफ O2 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा मास ऑफ O2 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम और ग्राम में मल्टीप्लाई कर 100, तो मेरे पास में क्या बना, मास ऑफ O2 10.30 मिलीग्राम है, तो 10.30 × 10³ और मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, डेंसिटी 1.03 ग्राम पर ml है तो वॉल्यूम मुझे 1 लीटर जो क्या लिखना पड़ेगा 1000 ml, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो जो उसका परसेंटेज हो जाएगा वो 10⁻³ आएगा। अब आपको पता है कि ppm कितना होता है 10⁴ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो इसकी ppm कंसंट्रेशन हो जाएगी 10 ppm। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा हमारे पास में जो जेईई मेन 2020 में आया था कितना हो जाएगा 10 ppm। इजी क्वेश्चन है, जो भी हमने पढ़ा उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। एक और क्वेश्चन देखो जेईई मेन 2020 के अंदर आया था, द मोलैरिटी ऑफ HNO3 इन अ सैंपल व्हिच हैज डेंसिटी 1.4 एंड मास परसेंटेज 63, अगर मास परसेंटेज गिवन है
एलसीडी गिवन है, तो बच्चों मोलेटी कैसे निकालते हैं? तो हमारे मोलेटी का फॉर्मूला होता है 10 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय गिवन डेंसिटी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज कितना दिया है जी, ये रहा 63%। डेंसिटी कितनी दे रखी है, ये रही डेंसिटी। तो बस 10 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई 1.4 डिवाइड बाय 63, आंसर कितना आएगा 14। क्या ये कोई टफ क्वेश्चन था? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, और देखो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के अंदर आया जी मेन के। फिर से आपका रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इजी क्वेश्चंस पे अपनी कमांड जो है वो और इम्प्रूव कर लो, इजी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कर लो, क्योंकि इजी क्वेश्चंस ही जो है आपके पर्सनल स्कोर को इम्प्रूव करेंगे। ओके okay. अब देखो कंसेंट टर्म के टॉपिक के बाद में जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उसके बाद में वो होता है स्टोचियोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके ऊपर जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन आए, उसको डिस्कस करते हैं। स्टोचियोमेट्री का मतलब क्या होता है? तो स्टोचियोमेट्री इन्वॉल्व यूज ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। स्टोचियोमेट्री इन्वॉल्व यूज ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसके अंदर देखो क्या है, एक जनरल क्वेश्चन जो है जो कई बार इसमें जेई मेन के अंदर आया है, कुछ बार जेई एडवांस के अंदर भी आ गया है, वो क्या है, वो एक आपको वेट सॉल्ट दे देगा। वेट सॉल्ट का मतलब क्या है, जिसके अंदर क्या होगा मेरे पास में वाटर और क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो देखो इसका मैं जनरल फॉर्मूला ले दिया, सॉल्ट डॉट XH2O, ये BaCl2 डॉट कोई भी सॉल्ट हो सकता था, N2CO2 डॉट कोई भी सॉल्ट हो सकता था, CuSO4 डॉट कोई सॉल्ट हो सकता है, ये कोई भी तरीके का एक वेट सॉल्ट है, जिसके अंदर S क्या हो जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको मैंने हीट करा, उससे मुझे मिलेगा ड्राई सॉल्ट और सारा सारा H2O मैंने हटा दिया। मैंने वो जो वेट सॉल्ट लिया था वो W1 ग्राम लिया था, कितना लिया था W1 ग्राम, और इसका जो मोलर मास है वो है M0 1। इससे जो ड्राई सॉल्ट बना उसका मास जो हमें ऑब्टेन हुआ वो था W2 ग्राम। लेट इसका मोलर मास कितना हो गया M0 2, और हमें H2O मिला, और H2O का जो मास मिला वो कितना मिला W3 का। अब देखो स्टोचियोमेट्री का मतलब क्या होता है, जब आप किसी रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखते हो तो जिन दो कंपोनेंट को आपको रिलेट करना है उनके मोल्स का रेशियो निकाल दो, हमेशा उनके मोल्स का रेशियो उनके स्टोचियोमेट्री कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर होगा। तो देखो यहां पर क्या है, अगर मैं कहूं मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट कितना होगा, स्टोचियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय स्टोचियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। H2O का कोएफिशिएंट कितना है x, और सॉल्ट का कितना है 1, तो मेरे पास में हो जाएगा मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट इज इक्वल टू x। मोल्स ऑफ H2O कितना होगा, मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 18 क्यों करा, क्योंकि मोलर मास है H2O का, डिवाइडेड बाय W1 क्या है, मास ऑफ द वेट सॉल्ट डिवाइड बाय M0 1। सिमिलरली ऑल्सो मेरे पास में जो x है वो क्या बन जाएगा, जैसे अगर मैं यहां से निकालू जो वाटर मुझे मिला उसको मैं ड्राई सॉल्ट के मास से रिलेशन निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, मेरे पास में हो जाएगा x, x इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ड्राई सॉल्ट, तो बन जाएगा W3 डिवाइडेड बाय 18 अपॉन W2 डिवाइडेड बाय M0 2। आपको समझ में, ये CL2 का जो है एक एग्जांपल है, काम का है, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू नहीं दिया, अगर आप जेईई मेन का क्वेश्चन दिए x का वैल्यू 2 होता है। देखो अगर कोई आपको कहे कि आपके पास BaCl2.XH2O एक वेट सॉल्ट है, ओके, या एक अपने पास में एक हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया, उसका आपको W1 ग्राम दिया, हमने उसको हीट करा, हीट करने पर हमें BaCl2 मिलेगा W2 ग्राम और वाटर मिलेगा W3 ग्राम। अब हमें पता लगाना है कि x के रिलेशन को कैसे लिखें, तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वेट सॉल्ट इज इक्वल टू x, क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वेट सॉल्ट इज इक्वल टू x, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2O बन जाएगा W3, W3 मतलब मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 18, और जो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, मोल्स ऑफ वेट सॉल्ट, मोल्स ऑफ वेट सॉल्ट कितना हो जाएगा मेरे पास में W1 डिवाइडेड बाय 18x प्लस M0। अब देखो मैंने इसका मास 18x प्लस M0 कैसे रखा है, देखो यहाँ पर जो BaCl2 है वो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों जगह BaCl2 है, तो BaCl2 का मास कितना होगा M0, और इस पूरे सॉल्ट का मास हम कैसे लिखेंगे, पूरे सॉल्ट का अगर मैं मास लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, M0 प्लस एक्स इंटू 18, मैं लिखूंगा M0 प्लस एक्स इंटू 18। इसीलिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, W3 अपॉन 18 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन 18x प्लस M0 इज इक्वल टू x। ये जो इक्वेशन है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर क्वेश्चन में W3 और W1 गिवन हो तो x का वैल्यू निकल सकता है,
हम इसी लिए निकाल सकेंगे BaCl2 के साथ में कितने H2 आ रहे हैं, और आप इसको याद भी रख सकते हैं ये BaCl2.2H2। ओके आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ स्टोशियोमेट्री में और क्या आता है वो आपसे पूछेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का। तो देखो लिमिटिंग एजेंट के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। मैंने एक जनरलाइज इक्वेशन लिख दी N1 टाइम्स ऑफ A प्लस N2 टाइम्स ऑफ B गिव N3 टाइम्स ऑफ C प्लस N4 टाइम्स ऑफ D। ये इक्वेशन है N1 टाइम्स ऑफ A प्लस N2 टाइम्स ऑफ B गिव N3 टाइम्स ऑफ C प्लस N4 टाइम्स ऑफ D। अब लेट हमने इनके जो A और B के जो मोल्स लिए थे इनिशियली वो थे M1 और M2। क्या लिए थे इनके इनिशियली मोल्स, कितने लिए थे M1 और M2। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि A और B में से कौन सा लिमिटिंग एजेंट है? बहुत ही आसान तरीका है। हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग एजेंट, आपको करना क्या है, जो आपने गिवन मोलर क्वांटिटी ली है उसको उसी रिएक्टेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। तो M1 को N1 से डिवाइड करना और M2 को N2 से डिवाइड करना। राइट क्वेश्चन आए जे मेन के अंदर और जे एडवांस में कई बार आ जाते हैं कि लिमिटिंग एजेंट को यूज करना सीखो। तो देखो लिमिटिंग एजेंट निकालने का बहुत आसान तरीका है, जो मेरे पास में रिएक्टेंट के मोल्स होंगे उनको उनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है, उनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। तो मेरे पास में हो जाएगा M1 अपॉन N1 और M2 अपॉन N2। ये जो रेशियोज बनेंगे इन रेशियोज को कंपेयर कर, इनमें से जो स्मॉलर रेशियो होगा वो हमें लिमिटिंग एजेंट बता देगा। द स्मॉलर रेशियो विल गिव यू द लिमिटिंग रिएजेंट। लेट मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि M1 अपॉन N1 जो A के लिए रेशियो आएगा M1 अपॉन N1 उसकी वैल्यू M2 अपॉन N2 से कम है, तो मेरे पास में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा बन गया यहाँ पर A। तो ये मेरे पास में बन जाएगा यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बन जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट A विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। अब जब आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, मोल्स ऑफ A कंज्यूम, जो बंदा लिमिटिंग रिएजेंट होता है तो पूरा कंज्यूम होता है। तो मोल्स ऑफ A कंज्यूम M1, मोल्स ऑफ B कंज्यूम कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ B कंज्यूम देखो उसको ऐसे लिखेंगे moles of B consume divided by moles of A consume। अभी मैंने कहा था कि ये इनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होगा, तो ये मेरे पास में आ जाएगा N2 upon N1। तो मेरे पास में moles of B consume ये हो जाएगा N2 upon N1 multiply by moles of A consume, कितना लिखेंगे हम M1। ऐसे हम निकालेंगे moles of C form। तो देखो C के moles कितने बनेंगे, C के moles बनेंगे C का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय लिमिटिंग रिएजेंट की मोलर क्वांटिटी, है ना। क्या बन जाएगा, C का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय लिमिटिंग रिएजेंट की मोलर क्वांटिटी। D कितना बनेगा, D का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय लिमिटिंग रिएजेंट की मोलर क्वांटिटी N4 अपॉन N1 मल्टीप्लाई बाय M1। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप यकीन नहीं करोगे, जेईई मेन में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखो क्या, हम स्टोशियोमेट्री को कौन कौन सी प्रॉपर्टी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो देखो प्लीज एक बार याद रख लेना और कौन से फॉर्म में नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने ये सब कुछ लिखा है। देखो क्या है, मेरे पास एक जनरल रिएक्शन हो गई। अब आगे क्या है, स्टोशियोमेट्री कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल्स प्रेशर ऑफ द गैसेज। अगर हमारे पास में रिएक्टेंट्स जो है और जो प्रोडक्ट्स है वो गैसेज है, तो उनके गैसेज के प्रेशर के फॉर्म में हम स्टोशियोमेट्री को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैसेज एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक गैसेज रिएक्शन को मैंने उठा ली, गैसेज रिएक्शन क्या है मेरे पास में, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव 2NH3 गैस। ये बहुत ही फेवरेट रिएक्शन है, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते, है ना। तो देखो N2 प्लस 3H2 के ट्वाइस NH3, ये मेरे पास में एक रिएक्शन हो गई। अब इसमें क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड, कितना होगा, अमोनिया का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 2/3 आएगा, है ना। तो क्या इससे मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड, कैसे हो जाएगा, मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस को क्या लिख देंगे, मास ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस को यहां पर क्या लिख देंगे, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय अमोनिया का मोलर मास कितना होगा, 17। और मोल्स ऑफ H2 रिएक्टेड को अगर लिखना हो तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ H2 रिएक्टेड डिवाइड बाय मोलर मास कितना होगा, 2। और ये जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2/3। बहुत ही सिंपल है स्टोशियोमेट्री, बस एक बात पकड़ लो, रिएक्शन अगर आपने बैलेंस कर दी तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके फिर अगर मैं प्रेशर के फॉर्म में कैसे लिखूंगा,
प्रेशर ऑफ अमोनिया क्रिएटेड डिवाइड बाय डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टेंट है इसका प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर ऑफ अमोनिया क्रिएटेड डिवाइड बाय डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये भी कितना आएगा 2/3। वैसे हम वॉल्यूम के फॉर्म लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डीकम्पोज, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वो भी 2/3 आएगा। तो देखो मोल्स के फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में स्टोइकोमेट्रिक एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर एक फॉर्म में कभी नहीं करना चाहिए। और यही गलती हमसे जेई मेन में कराते हैं, क्या वो मास देकर पूछते हैं कि बताओ कि आपकी रेशियो क्या होगा, इनमें लिमिटिंग एजेंट कौन होगा, तो मास के रेशियो से आंसर निकालने लग जाते हैं। वो कंसेप्ट ही गलत है, आपको मास वाला कंसेप्ट यूज नहीं करना, आपको मोल्स निकालने और मोल्स के रेशियो से निकालना। तो देखो डू नॉट एक्सप्रेस स्टोइकोमेट्री इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द कंपोनेंट, मैं बोल रहा हूं डू नॉट एक्सप्रेस स्टोइकोमेट्री इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द कंपोनेंट। ऐसा करोगे तो क्वेश्चन गलत होगा, आपके -1 तो होंगे ही होंगे और जो +4 होने थे वो भी जाएंगे, आप 5 मार्क्स पीछे हो जाओगे, 5 मार्क्स पीछे, बहुत सारी रैंक आपको पीछे कर देगी, ऐसे छोटे मिस्टेक आपको नहीं करना। इसके ऊपर ये जो मैंने लिखा है जनरल एक्सप्रेशन फॉर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसके ऊपर पेपर में आपके जेई मेन में काफी बार क्वेश्चन आए। तो देखो क्या है, इक्वेशन फिर से वही हो गया, एक मेरा हाइड्रोकार्बन है CXHY plus X plus Y by 4O2 give XCO2 plus Y by 2H2, ये एक जनरल इक्वेशन हो गई, CXHY plus X plus Y by 4O2 give XCO2 plus Y by 2H2। अब इसमें देखो, लेट वॉल्यूम ऑफ द गैस हाइड्रोकार्बन यूज्ड इज V1ml, वॉल्यूम ऑफ द O2 कंज्यूम इज V2ml, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म इज V3ml। अब क्या मैं स्टोइकोमेट्रिक को वॉल्यूम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, बस अभी हमने पढ़ा है। तो अगर कोई आपको कहे व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन कंज्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म V3, वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन कंज्यूम V1, ये रेशियो न्यूमेरिकली किसके बराबर होगा? X/1 कोफिशिएंट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कंज्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन कंज्यूम इज V2/V1 तो हम क्या पता कर सकते हैं? हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आए हैं कि हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के बताओ और ये आपको V1, V2, V3 वैल्यू दे देंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज इस कंसेप्ट को अच्छे समझ लेना। बहुत ही फेमस रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर आइडेंटिफाइड डाई हाइड्रोजन एज लिमिटिंग रिएजेंट इन दी फॉलोइंग रिएक्शन पिक्चर। डाई हाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग एजेंट पता लगाना है, कैसे पता लगाएंगे? ढंग से देखो वही एक्सरसाइज हम करेंगे, क्या हम पहले दोनों रिएक्टेंट्स के जो गिवन मोल्स है वो निकाल लेंगे और गिवन मोल्स को उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो देखो फर्स्ट मैंने ऑप्शन ए में नहीं पता करा, ऑप्शन ए में देखो नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं? 1, और नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो 1/1 कितना होता है? 1 ही होता है। फिर हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? 3, और इक्वेशन में हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है? 3/3 कितना होता है? 1। जब मेरे पास में दोनों के लिए वो रेशियो सेम आ रहा है तो दोनों में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन बी देखो मेरे पास क्या हो गया। इसमें ऑप्शन बी के अंदर मेरे पास में नाइट्रोजन के मोल्स कितने आ रहे हैं? 2 मोल्स, और हाइड्रोजन के कितने आ रहे हैं? 5 मोल्स। अभी हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करो 1 से, आंसर कितना आएगा? 2, और 5 को डिवाइड करो 3 से, 5 को डिवाइड करो 3 से, आंसर कितना आएगा? 1.67। तो क्या हाइड्रोजन का जो रेशियो आ रहा है वो नाइट्रोजन से कम है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है। हम और चेक करते हैं क्या गलती से 2 तो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो गए। तो देखो इस वाले केस मेरे पास में नाइट्रोजन के मोलर अमाउंट कितना है? 0.5। तो मैं इसके मोलर अमाउंट को
इसके कोफिशियंट से डिवाइड कर दूंगा, कोफिशियंट कितना है 1, 0.5 को डिवाइड करेंगे 1 से, 0.5 ही रहेगा। फिर हाइड्रोजन का मोलर अमाउंट कितना है 2, डिवाइड करेंगे उसके कोफिशियंट से 3 से, 2 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.66 या 0.67, 0.67 0.5 से बड़ा होता है तो हाइड्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। अब डी की तरफ आते हैं, देखो बिल्कुल स्ट्रिक को देखो आप, इसको और क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करना, मुझे तो आपको समझाना है तो मैंने सारी बातें लिख के लाया। तो देखो नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं 1.25, तो 1.25 को 1 से डिवाइड कर देंगे 1.25 ही आएगा। फिर हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 4, 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा 1.33। तो हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो नाइट्रोजन के रेशियो से ज्यादा है, हाइड्रोजन लिमिटिंग एजेंट नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन में लिमिटिंग एजेंट कौन है, यहाँ पर है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर तो नहीं, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में कि 5 मोल जो Ab2 है उसका मास किलोग्राम में दे रखा है, किलोग्राम में कितना दिया है 125 × 10⁻³ किलोग्राम। कोई बात नहीं, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 125 × 10⁻³ किलोग्राम, एक्चुअली 125 ग्राम ही है। और हमें क्या दिया है, किसका मास दिया है, साथ साथ में मास दिया है आगे द 10 मोल्स ऑफ A2B2 पे 300 × 10⁻³ ग्राम। तो 300 × 10⁻³ ग्राम मतलब 300 ग्राम ही है। अब हमें निकालना है ए और बी का मोलर मास क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का आप देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखो मेरे पास में 5 मोल्स ऑफ Ab2 हो गया, 5 मोल्स ऑफ Ab2 का मास कितना हुआ 125, तो 1 मोल ऑफ Ab2 का मास कितना हो गया 25। तो इक्वेशन क्या बनी, एम नोट ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम नोट बी इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन बन हो गई। फिर 10 मोल्स ऑफ A2B2 इसका मास कितना है 300, तो 1 मोल ऑफ A2B2 का मास कितना होगा 30, तो 2 टाइम्स ऑफ एम नोट ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम नोट बी का मास कितना होगा 30, एंड एम नोट ए प्लस एम नोट बी का मास कितना होगा 50, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यूज करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, एम नोट ए 5 ग्राम पर मोल और एम नोट बी 10 ग्राम पर मोल। तो इस दिए गए क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें चेक करना है, इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ऑप्शन सी में देखो ए का मास 5 × 10³ इन टर्म्स ऑफ केजी आ रहा है और बी का मास 10 आ रहा है, तो हमारे आंसर से बिल्कुल मैच कर रहा है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको दिया है 25 ml of a given HCl solution required 30 ml of point M sodium carbonate. Highlight कर लेते हैं। 25 ml of a given HCl solution required 30 ml of 0.1 m sodium carbonate solution. Again, what is the volume of this HCl solution required to titrate 30 ml of 0.2 m aqueous anhydrous solution? काफी इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या, पहले आपको चेक करना है कि रिक्वायर्ड रिएक्शंस कौन सी होती है, हमेशा इन क्वेश्चंस के तो रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या है कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो ये रिक्वायर्ड रिएक्शन हो गए, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव टू NaCl प्लस H2O प्लस Cl। फिर से देखो अपने वाले तरीके से सॉल्व कर रहा हूं कि मेरे पास में मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ HCl डिवाइड बाय कोफिशिएंट सोडियम कार्बोनेट कितना आएगा 2/1। अब मोल्स ऑफ HCl कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी, और सोडियम कार्बोनेट क्या लिखेंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। तो देखो ये हो जाएगा मेरे पास में, वॉल्यूम में कितना लिया था 25 ml जो क्वेश्चन दे रखा है, तो 25 × मोलैरिटी ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 30 × 0.1 इज इक्वल टू 2 आएगा, इस रेशियो के बराबर आएगा, तो जो HCl का मोलैरिटी आएगा वो 6/25 m हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में है वो क्या है, HCl की एनिओस से रिएक्शन। अगर HCl एनिओस से रिएक्ट करेगा तो HCl plus NaOH 1:1 के रेशियो में रिएक्शन है, तो मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH जो कंज्यूम हुए हैं, मोल्स ऑफ HCl क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ HCl मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH मतलब 30 × 0.2, ये क्वेश्चन में आपको दे रखी। इससे NaCl का HCl का जो वॉल्यूम मुझे मिला वो कितना मिला 25 ml। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ये भी ईयर 2019 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है the minimum amount of O2 gas produced per gram of the reactant,
रिएक्टेंट का 1 ग्राम लेने पर ग्राम कंज्यूम करने पर कितना O2 गैस यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है वो हमें पता करना है, और उसका मिनिमम अमाउंट मुझे पता करना है। वो कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में फिर से रेशियो वाले कंसेप्ट को यूज करते हैं, पहले पहले वाली इक्वेशन में जाते हैं। मैं इनको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये मेरे पास में ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, सी और डी, जब मैंने हाईलाइट कर दी। तो पहले देखो ऑप्शन ए की तरफ जाते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? मोल्स ऑफ ओ टू कंज्यूम अपॉन मोल्स ऑफ आयरन कंज्यूम कितना होगा? 3/4 के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर। अब देखो मोल्स ऑफ ओ टू कंज्यूम कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ ओ टू कंज्यूम हो जाएगा मोल्स ऑफ आयरन कंज्यूम मल्टीप्लाई का है 3/4, तो 3/4 लिख दिया मैंने। मोल्स ऑफ आयरन कंज्यूम कितना है? वो कह रहा है रिएक्टेंट का पर ग्राम यूज करने पर, तो मोल्स ऑफ आयरन कंज्यूम हो जाएगा 1/2। अब ऐसे आगे नेक्स्ट ऑप्शन बी, मैग्नीशियम की रिएक्शन O2 से हो रही है, यहाँ पर देखो मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम अपॉन मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कंज्यूम कितना होगा? हाँ, तो मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई 1/24। नेक्स्ट मेरे पास में ऑप्शन सी, इसके अंदर मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम डिवाइड बाय मोल्स ऑफ P4 कंज्यूम 5/1 होगा, जो इनके कोफिशिएंट का रेशियो है। तो मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय P4 का मोलर मास कितना होता है? फास्फोरस का मास 31 होता है, तो P4 का मोलर मास कितना हो जाएगा? मेरे पास में 31 का 4 times, बच्चों तो यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। 31 का अगर 4 times करेंगे तो वो 124 होगा। सर आप क्या करते हो, छोटी सी मिस्टेक करते हो, ये मेरा 124 होगा। तो मेरे पास में मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम जो है वो कितना हो जाएगा? 5 × 1/124। लास्ट वाला ऑप्शन डी में मेरे पास में मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम डिवाइड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंज्यूम इज इक्वल टू 5/1, जो उनके कोफिशिएंट का रेशियो है। तो मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 5 × 1 अपॉन उसका जो मोलर मास है वो है 40। बस आपको करना क्या है, आपको चेक करना है कि मोल्स ऑफ O2 का मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रहा है। जहां पर मोल्स ऑफ O2 का मिनिमम वैल्यू आ रहा है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मिलीग्राम ऑफ एफरेसेंट टेबलेट कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड रिलीज 0.25 ml ऑफ CO2 एट 298.15 kelvin एंड प्रेशर इक्वल टू 1 bar। इफ मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 25 liter अंडर दिस कंडीशन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन ईच टेबलेट। फिर से देखो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, कोई रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बाद में स्टोइकोमेट्रिक यूज करना और कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो रिएक्शन लिखेंगे, रिपाइट रिएक्शन क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट HCl सीरेट करेगा, ठीक है, आपने लोअर क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा, 9th 10th के अंदर भी पढ़ा होगा, 10th क्लास की रिएक्शन है ये। तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl गिव NaCl प्लस H2 प्लस CO2, तो मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कंज्यूम डिवाइड बाय मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस 1:1 है। तो मेरे पास में मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, तो मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे लिखेंगे? लेट एज्यूम कर लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का सैंपल में जो मास है वो W- हो गया, तो W- डिवाइडेड बाय 84 इसका मोलर मास है, तो क्वेश्चन में भी गिवन है मोलर मास का क्या है 84, तो मेरे पास और इट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। CO2 की मोल्स कैसे निकालेंगे? CO2 जो यहाँ पर लिबरेट हो रही है वो 0.25 ml है, उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.25 हो जाएगा ये 10^-3, क्योंकि मुझे उसे लीटर में कन्वर्ट करना है, ml को लीटर में कन्वर्ट करना था, तो 0.25 × 10^-3 ये मेरे पास में क्या बन जाएगा यहाँ पर ml की जगह लीटर डिवाइडेड बाय 25। ऐसा करने पे जो W- बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूँ तो ये मेरे पास में हो जाएगी 10^-5। अगर ये 10^-5 है तो W- मेरे पास में बन जाएगा 10^-2 मिलीग्राम, 10^-2 मिलीग्राम है, तो ये मेरे पास में डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये 0.84 ग्राम, कितना आएगा 0.84 ग्राम, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, ये मेरे में 0.84 ग्राम। अगर 0.84 ग्राम होगा तो नो डाउट ये परसेंटेज भी क्या होगा, 10 times इम्प्रूव हो जाना है, तो मेरे पास में जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज इसमें हो जाएगा 8.8
परसेंटेज आ जाएगा 8.4%। आइए आपको बात समझ में, नेक्स्ट मिनट पास में, एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 एमएल ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 55 एमएल ऑफ ओ2 फॉर कंप्लीट कंबशन एंड 40 एमएल ऑफ CO2 इज फॉर्म, द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज, फिर से वही CH2H5+X+Y/4 ओ2 को यूज करना है। अगर इसका आप यूज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ CO2 पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन x, इसका वैल्यू मेरे पास में x का वैल्यू 4 हो जाएगा। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन का यूज करेंगे, इसका वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन का यूज करेंगे, वो में एक्स प्लस वाई बाय फोर का वैल्यू देगा, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.5। दोनों इक्वेशन का यूज करने पर मेरे पास में वाई का वैल्यू 6 आएगा और फॉर्मूला बन जाएगा C4H6। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास में ये 2020 के अंदर आया था, ये 2020 में, कि अगर हम यूरिया की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो उससे अमोनिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फिर वो अमोनिया की रिएक्शन है, यहाँ पर दिया था अमोनिया रिलीज ऑन क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ पर है कि यूरिया की रिएक्शन NaOH से कराए, उससे अमोनिया प्रोड्यूस हुआ और साथ में सोडियम कार्बोनेट बना, तो मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 2/1, तो मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0.6 अपॉन 60, क्योंकि मैंने कितना यहाँ पे लिया था क्वेश्चन में 0.6 ग्राम यूरिया लिया था, तो 0.6 डिवाइड बाय 60, तो मोल्स ऑफ यूरिया मेरे पास में कितना हो जाएगा 0.02। Hence, we required 0.02 moles of HCl to neutralize liberated ammonia. तो यहाँ चेक करना 0.02 HCl का आ रहा है, तो जो इसका ऑप्शन 3 है वो इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब हमारे पास में जो स्टोइकोमेट्री का टॉपिक हमने बोल गया, अब आता है ऑक्सीडेशन नंबर मेरा। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, अगर कोई एटम किसी और एटम से जुड़ा हुआ हो तो वो उससे कितने बॉन्ड बना रहा है, और वो जिससे जुड़ा है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है वो कैसे है, अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरा एटम वो से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और दूसरा एटम पहले वाले एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके कारण जो सरफेस पे चार्ज क्रिएट होगा उसको यहाँ पर क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन नंबर। तो कुछ कॉमन कंपाउंड यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, आप सबको पता है कि इन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो जो मैंने एलिमेंट हाईलाइट कर रखा है उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जैसे HNO3 में नाइट्रोजन का +5, H2SO4 में सल्फर का +6, सिंपल सी बात है, NaCl4 में क्लोरीन का +7, H2O2 में ऑक्सीजन का -1, KMnO4 के अंदर मैंगनीज का +7, K2Cl2SO4 में क्रोमियम का +6, ऑक्सीलेट के अंदर कार्बन का +3, S3PO4 में फॉस्फोरस का +5, HNO2 में नाइट्रोजन का +3, और एजाइड में नाइट्रोजन का -1/3। इसको मैंने स्टार क्यों लगाया, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन के अंदर आता है, ठीक है, तो उसको जनरली हम ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म, या इसको हम कह सकते हैं ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो इसके बाद जेई मेन में क्वेश्चंस वगैरह क्या बने उसको मैंने यहां पे लिख दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन दीज कंपाउंड, हमें इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, कैसे निकालें, यहां पर जो ऑक्सीजन है वो पोटेशियम से जुड़ा है, तो ऑक्सीजन पोटेशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उससे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो यहां पर ऑक्सीजन का स्टेट क्या है, -2। नेक्स्ट K2O2 ये परोक्साइड है, इस परोक्साइड में ऑक्सीजन का स्टेट कितना होगा, -1, बड़ी सिंपल सी बात आपको पता होगा, एक मेरे पास में ये होता है O2 PtF6, ये हमारे पास में 12th क्लास के अंदर जो है कंपाउंड है, इसमें नोबल गैसेस के चैप्टर के अंदर नील बर्टलेट की जो इक्वेशन है उसके अंदर, तो यहाँ पर जो O2 है O2+1, तो ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालेंगे, 2x = +1, x का कितना हो जाएगा, अगर मैं OF2 में निकालूं तो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो 2 फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो ऑक्सीजन का स्टेट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा प्लस स्टेट। फिर देखो ये क्वेश्चन नेक्स्ट इसी वाला, व्हिच ऑफ फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन, वही एलिमेंट वही एटम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है, तो एलिमेंट अपनी किसी इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट हो, जो इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट में प्रेजेंट नहीं है वो दोनों काम नहीं कर सकते। तो देखो जो HNO2 है उसमें नाइट्रोजन का स्टेट क्या प्रेजेंट है, +3, और नाइट्रोजन का रेंज क्या होता है, नाइट्रोजन -3 से लेकर +1, तो क्या ये इंटरमीडिएट रेंज के अंदर है ना, तो ये दोनों की तरह काम कर सकता है, तो ये हमारे क्वेश्चन का एक आंसर है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। H2O2 में ऑक्सीजन का स्टेट क्या है, -1, तो ऑक्सीजन का अगर हम निकाले पॉजिटिव स्टेट +2 को तक हो सकता है और नेगेटिव स्टेट -2 तक हो सकता है, तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर है। H2SO3 में
ये जो सल्फर एटम है, सल्फर का स्टेट यहाँ पर क्या है, +4। सल्फर का अगर रेंज निकाले तो वो -2 से लेकर सल्फर +6 तक होता है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट में है, ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। H2SO4, इसमें सल्फर का +6 स्टेट है, एक्सट्रीम स्टेट के अंदर है। दैट मींस ये दोनों की तरह काम, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं। HNO3, HNO3 में नाइट्रोजन का +12 स्टेट, ये दोनों तरह काम नहीं कर सकता। अब बात करते हैं ओजोन। देखो ओजोन में जो ऑक्सीजन है उसका 0 ऑक्सीजन स्टेट है, अगर वो 0 है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, डेट मीन वो दोनों तरह जा सकता है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, दोनों की तरह काम कर सकता है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखो इसके अंदर क्या है, वो कौन कौन सी सब्सटेंस है जो इसे रिड्यूसिंग और ऑक्सीजन एजेंट दोनों की तरह काम कर सकते हैं। जेई में भी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का तो आ ही सकता है क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, HNO2 करेक्ट है, H2O2 करेक्ट है, H2SO3 करेक्ट है और ओजोन भी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में ओजोन वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोक्साइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, किसके अंदर परोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो परोक्साइड बॉन्ड का पता कैसे करते हैं, अगर हम क्या करें कि किसी भी कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम का ऑक्सीजन स्टेट निकाल, अगर सेंट्रल एटम के ऑक्सीजन स्टेट की जो कैलकुलेटेड वैल्यू, कौन से वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड कर जाए तो उसके अंदर परोक्साइड बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर कैसे पता करेंगे, मेरे पास में ये जो H2O2 है उसमें सेंट्रल एटम में इसको हाइड्रोजन को मारना, तो देखो मेरे पास में कितना होगा 2x। अब ऑक्सीजन यहाँ पर है, कितने ऑक्सीजन है मेरे पास में, 2, तो 2x -4 = 0, तो मेरे पास में 2x का वैल्यू कितना आएगा +4, बच्चों मेरे पास x वैल्यू कितना आ जाएगा +2। तो ऑक्सीजन का तो आइए स्टेट बेचारे का +1 होता है, यहाँ पर स्टेट क्या आ रहा है +2, तो इसे परोक्साइड बॉन्ड है। आगे वाले पता करते हैं, सल्फर को निकालते हैं, 2 times of x, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो क्या करेगा सल्फर को इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2x +2 और 8 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 है, तो 8 का कितना हो जाएगा -16 = 0। अगर आप इसे निकाले तो 2x का वैल्यू कितना आएगा +14 और x का वैल्यू कितना आएगा +7, जबकि हमें पता है सल्फर का हाईएस्ट स्टेट क्या होता है +6, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है +7, दैट इज परोक्साइड बॉन्ड होगा। CrO5 पे करते हैं, क्रोमियम का x, अगर इसे कितना करें कि x -10 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है +10, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर मेरे पास में मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर जाए, क्योंकि क्रोमियम का हाईएस्ट स्टेट क्या होता है +6, तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू को क्रॉस कर जाए, ठीक है एक्चुअल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर जाए, तो परोक्साइड बॉन्ड बॉन्ड इज परोक्साइड बॉन्ड। H2SO5 में फिर से वही केस है, अगर आप सल्फर का पता करें x +2 -10 = 0, तो जो x का वैल्यू आ रहा है वो रेस्ट के तरह +8, जो कि नहीं हो सकता, इसमें परोक्साइड बॉन्ड। इसमें निकालते हैं Cr2O9 -2, 2 times of chromium, 9 ऑक्सीजन है, माइनस का कितना हो जाएगा, कैसे करते हैं 9 × -2 = -2, तो मेरे पास में 2x -18 = -2, 2x = +16 और x = +8, तो क्रोमियम का +8 आ रहा है, जबकि हाई स्टेट क्रोमियम क्या होता है +6, दैट मींस हमें परोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट। Cr2O12 -2 में पता करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ x -24 = -2, तो 2 टाइम्स ऑफ x कितना हो जाएगा +22 और x का वैल्यू यहां पर क्या आ रहा है +11, कैलकुलेटेड वैल्यू +11 है, जबकि हमें पता है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है +6, तो यहां पर क्या होगा परोक्साइड बॉन्ड होगा। अब H3O9 में 3 सल्फर है, 3x, 3x माइनस का कैसे लिखते हैं 9 × -2 = 0, तो मेरे पास में 3x कितना आ रहा है 18 और x कितना आ रहा है +6, ये सल्फर के मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड नहीं करा, इसका हमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर परोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। बच्चे एक बात याद रखना, अगर कोई एलिमेंट अपनी आई मैक्सिमम स्टेट को क्रॉस कर जाए तो उसमें परोक्साइड बॉन्ड होता है, पर इस बात के भी एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है, डी ब्लॉक के अंदर होता है, डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास में क्रोमियम एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने +5 स्टेट के अंदर भी परोक्साइड बॉन्ड बनाता है। इस स्टेटमेंट को याद रखना कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अपने हाईएस्ट जिनकी कैलकुलेटेड वैल्यू के मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड कर जाए तो हम कहते हैं परोक्साइड बॉन्ड है, पर कुछ इसके एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो क्रोमियम वगैरह के अंदर है, डी ब्लॉक के अंदर है, आपको क्लास में पढ़ा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत ही अच्छा कांसेप्ट है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, कि मेरे पास में एक इक्वेशन है μ1a + μ2b + μ3c + μ4d, जहां पर
ये जो वैल्यूज है ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेड ए के ग्राम में कितने ऐड करें एक्स ए, बी के कितने ऐड करें एक्स बी, सी के कितने ग्राम इक्विवेलेंट बने एक्स सी और डी के कितने बने एक्स डी, ये ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस। तो व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट दैट एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स बी इज इक्वल्स टू एक्स सी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एक्स डी। अब अगर मैं एन फैक्टर निकालूं तो लेट ए का एन फैक्टर रिएक्शन में एन ए, बी का एन फैक्टर एन बी, सी का एन फैक्टर एन सी और डी का एन फैक्टर एन डी, और इनकी मोलर क्वांटिटीज भी यहाँ पे दे रखी। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, आप सबको बताया दैट ग्राम इक्विवेलेंट एक्स इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर होता है। तो मेरे पास में अगर एक्स ए इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू एक्स सी इंटू एक्स डी है दैट इज मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर जो है ये मल्टीप्लीकेशन इन सभी कंपोनेंट्स के लिए क्या है इक्वल। इसी को क्या बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चन, ठीक है MnO4 minus plus oxalate एसिडिक मीडियम में Mn plus 2 और CO2 बना रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसी रिएक्शन के ऊपर दो बार क्वेश्चन मैंने जेई मेन में पिछले दो सालों में। इसमें देखो क्वेश्चन क्या काम का होता है, पहला पार्ट व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ MnO4 minus, इसमें मैग्नीज जो है अपनी प्लस सेवन स्टेट में है और जा रहा है प्लस सेवन से प्लस टू। अगर प्लस सेवन से प्लस टू जा रहा है तो एक मैग्नीज कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, पांच, एन फैक्टर है पांच। फिर एन फैक्टर ऑफ ऑक्सिलेट, देखो ऑक्सिलेट में जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम अपनी प्लस थ्री स्टेट में, दो कार्बन एटम प्लस थ्री स्टेट में और जब CO2 में कन्वर्ट होंगे दो कार्बन प्लस फोर में चले जाएंगे। तो एक ऑक्सिलेट दो मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, एक मोल ऑक्सिलेट दो मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो ऑक्सिलेट का जो एन फैक्टर है वो कितना है टू। आगे मोल्स ऑफ MnO4 माइनस आयन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज वन मोल ऑफ ऑक्सिलेट, तो हम क्या लगाएंगे दैट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस आयन इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सिलेट। ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है मोल्स ऑफ MnO4 माइनस आयन इंटू इट्स एन फैक्टर कितना है पांच और मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट और ऑक्सिलेट एन फैक्टर कितना है टू। आपको क्या कहा गया एक मोल ऑक्सीडेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए मेरे पास मुझे कितना MnO4 माइनस आयन चाहिए। तो अगर इसका वैल्यू वन रखूं वो सब MnO4 माइनस आयन कितना हो जाएगा मेरे पास में टू डिवाइडेड बाय फाइव। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा टू डिवाइडेड बाय फाइव कितना होगा पॉइंट फोर। वॉल्यूम ऑफ पॉइंट फाइव एम ऑक्सीडेट सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 0.02 m और 50 ml of MnO4 minus, फिर से log ये लगाते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 minus आयन इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सिलेट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर कितना है इसका पांच और मोल्स कैसे निकालेंगे 0.02 मल्टीप्लाई बाय 50 ml ये एक्चुअली मिली मोल्स है। अब इसका एन फैक्टर कितना है टू, वॉल्यूम की वैल्यू पता करनी है और मोलिटी का फॉर्म कितना हो गया। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये V का वैल्यू कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई करने के 1 हो जाएगा तो बस V की वैल्यू बस इसको सॉल्व करने पर आ जाएगी। तो ये देखो मेरे पास में कितना हो गया ये 50 ये कितना हो गया 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो गया 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से तो हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 5 ml आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आई थिंक ये इजी सा क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कर सकते थे और ये क्वेश्चन दो बार जेई में आ चुका है 2018 में क्वेश्चन आया। नेक्स्ट ये रिएक्शन 2020 में क्वेश्चन आया था लेकिन एक बहुत आपको NaCl4 ये जनवरी के अंदर NaCl4 के आयन सॉलिड से रिएक्शन होती है जिससे O2 गैस प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कैलकुलेट मास ऑफ NaCl4 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 492 लीटर ऑफ O2 गैस at 180 and 300 Kelvin. तो कैसे करेंगे इसके लिए मास ऑफ NaCl4 मोल्स ऑफ NaCl4 अपॉन मोल्स ऑफ O2 इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास में दोनों का कोफिशिएंट कितना है 1/1 तो मोल्स ऑफ NaCl4 मोल्स ऑफ NaCl4 to moles of O2.
मोस्ट ऑफ O2 मेरे पास से कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ O2, और ये जो कंडीशन है 180 और 300 केल्विन पे, इस पे वैल्यू होती है 24.6, 24.6, ये मेरे पास हो जाएगा 492 डिवाइडेड बाय 24.6। अब आपको करना क्या है, मास ऑफ NaClO4 रिक्वायर्ड, जो इसका मोलर मास है 122.5, 492 डिवाइडेड बाय 24.6, आपको मल्टीप्लाई कर देना इस क्वेश्चन में, वो मिल जाएगा इस बार जी मेंस के अंदर जो जनवरी वाला सेशन था उसमें क्वेश्चन आया। लास्ट टॉपिक वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इसके ऊपर ये 2019 में क्वेश्चन आया था। तो H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या था, बस आपको समझा देते हैं और आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, द थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ O2 गैस दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 लीटर ऑफ ए गिवन H2O2 सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 TM प्रेशर इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन आपको दिया गया है, उस 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से थ्योरेटिकली 0 डिग्री सेल्सियस और 1 TM प्रेशर पे कितना O2 गैस प्रोड्यूस हो सकता है, वो H2O2 के वॉल्यूम स्ट्रेंथ को। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 2 टाइम्स ऑफ H2O2 गिव 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस O2। तो अगर H2O2 के n मोल्स हैं, H2O के भी n मोल्स बनेंगे, तो O2 कितना बनेगा, n बाय 2 आप बनेगा ना, 2:1 केमिस्ट्री आप बनेगा। लेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 3 लीटर्स, तो 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कैन गिव V लीटर्स ऑफ O2 गैस एट एनटीपी। अगर वो V लीटर ऑफ O2 गैस दे रहा है, That means n by 2, जो मोल का वैल्यू है n by 2 is equal to volume of O2 gas divided by 22.4, क्योंकि आपको पता है NTPH3 की कंडीशन में 22.4 होता है। n का वैल्यू कितना होगा, v upon 11.2। अब मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लिया था, मोल्स ऑफ H2O2 कितना है n, n का वैल्यू कितना हो जाएगा v डिवाइडेड बाय 11.2। ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया था, वो पूछे थे 11.2, मेरे पास में एक सॉल्यूशन है H2O2 का जिसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 है, उसकी ह्यूमिडिटी क्या है। पर देखो शर्म आनी चाहिए, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं और इतने सिंपल क्वेश्चन वो आपको NITs वगैरह ऑफर करते हैं। बच्चों देखो एक मेरी बात आप अच्छे से याद रखें, सेशन के बाद में केमिस्ट्री टफ नहीं होती, केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप केमिस्ट्री पर अपनी पकड़ मजबूत रख के चलें, आप जेईई मेन जेईई एडवांस को इजिली क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको ठीक लगा होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपके डाउट को एड्रेस कर लिया जाएगा। ठीक, थैंक यू।